उनसे बात हुई, उनके द्वारा बताया गया कि देखो उनका एक पड़ोसी है रोशन इसका नाम है, मदद के लिए कुछ पैसे जो है उससे 4-5 महीने से मांग रहे हैं। इनके द्वारा जो है इनेबिलिटी दिखाई गई, फिर कल जो है फायरिंग की घटना हुई। त्वरित गति से अनुसंधान हुआ, उसमें कुल 3 लोग जो संलिप्त थे वो पकड़े गए हैं, जो हथियार प्रयुक्त हुआ वो पकड़ा गया है, जो मोटरसाइकिल का यूज हुआ है बुलेट का वो पकड़ा गया है, मोबाइल से जो कॉल किया जाता था उनको रंगदारी के लिए वो मोबाइल भी जो है सिम के साथ वो भी जो है जब्त हुआ है। ये रोशन का आपराधिक रिकॉर्ड क्या? रंगदारी का मामला नहीं था ये? जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जिस मोबाइल से रंगदारी मांगी गई वो मोबाइल जब्त हुआ है, तो मामला ये रंगदारी में ही रजिस्टर हुआ है। इसमें एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है उसका संबंध पूर्ण किसी बड़े रोशन का क्या इतिहास है, कौन है? रोशन जो है उसके पिता का नाम जो है बिंदु सिंह है, अभी तिवारी बेचर रोड कंकड़वा थाना जहाँ घटना हुई उसी बगल में जो है ये वहीं का निवासी है। इसका आपराधिक इतिहास है, अभी तक जो हम लोग प्राप्त कर पाए हैं उसमें 2 आपराधिक इतिहास है इस पर, और एक गांधी मैदान में जो है ये हत्या के केस में दिया गया था। सर, गोली चलाने का कारण क्या था, कि मारने के मूड से गया था कि डराने के मूड से? जैसा जो मोडस था वो डराने वाला ही था, डराने के उद्देश्य से। बिंदु सिंह कौन है? बिंदु सिंह जो है पुराना अपराधी रहा है, जो कि अभी जेल में जो है, जो जेल में है। सर, ये रोशन पहले भी कंकड़बाग से जेल जा चुका है, मोबाइल दुकानदार से रंगदारी कुछ ऐसा बात था? दो केसेस हैं इसके पहले जो हम लोग प्राप्त कर पाए हैं, एक गांधी मैदान का मर्डर का केस है पुरुषोत्तम, और दूसरा जो है वो कंकड़बाग से जो शराब और ये रंगदारी का जो मामला था उसमें है। बिंदु सिंह जहानाबाद वाला बिंदु सिंह है क्या? जैसा कि बताया गया आवेदक के द्वारा 10 लाख की बात की गई। कितनी गोलियां चलाया था सर? एक फायरिंग एक हुई है, खोखा एक बरामद हुआ। इसके साथ 2 हैं, वो कौन है सर? ये एक जो है सूरज है जिसने गोली चलाई, वो मधेपुरा का है। ये भी जेल गया क्या? ये भी पहले जेल जा चुका है। तीसरा जो है वो अभिषेक है, वो इसके साथ जो है काम करता था कॉन्ट्रैक्ट। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? ये गिरफ्तारी राजेंद्रपुर के नीचे से हुई है, कल ही हम लोग गिरफ्तार किए। थैंक यू।